हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। और आज पूर्णिमा भी है और गुरु नानक जयंती भी है, तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी बधाई। और अभी मैंने ना सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि अभी मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने मंचूरियन ही बनाया था तो थोड़ा सा मैंने वो क्लिप लगा दिया था। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया, आप लोग से बातें भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी छवि छोड़ दो, पूरे बिस्तर में लगेगा, छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और आज ना जैसे कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, और शायद बहुत साल पहले ये चंद्र ग्रहण लगा था, उसके बाद बहुत दिनों बाद लग रहा है। अब मुझे नहीं पता, नेट पे तो कुछ और दिखा रहा है और पत्रा में कुछ और दिखा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मतलब हमारे देश में लगा है या नहीं। पर इसलिए मैं पूर्णिमा की पूजा नहीं कर रही हूँ, सोचा तो था करने के लिए पर नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा अभी शाम को पता चला है कि मतलब पूजा करना है, जो घाट पे है ना, घाट पे देव दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, तो इसलिए थोड़े से मैं कैंडल जला दूंगी और कुछ ज़्यादा नहीं करूंगी। बच्चे जो पटाखे बचा के रखे हैं ना दिवाली पर, कि पूर्णिमा के दिन फोड़ेंगे, यानी देव दिवाली हमारे यहाँ बोली जाती है, तो देव दिवाली के दिन वो फोड़ेंगे, तो थोड़े से वो फोड़ लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और आज मेरा फास्ट भी है, तो अभी जा रही हूँ, मूँगफली मैं भून लूंगी। वैसे शकरकंद मैंने मतलब भून के खा लिया है, अभी रात में वही मूँगफली भून लूंगी और चाय बना लूंगी। तो अभी देखिए ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, 2 दिन के कपड़े हैं, मैंने इसे हाथ से नहीं वाश किया है, मशीन में डाल दी थी ना, इसे बहुत ढेर सारा हो गया। अब मैं वही सोच रही हूँ फोल्ड करूँ या ना करूँ, अगर इसे उठा के रख दूंगी तो इकट्ठा होते होते बहुत कपड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फोल्ड कर ही दूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करूँगी ना तो ये होगा कि इकट्ठा नहीं होंगे तो काम भी ज़्यादा नहीं होगा। और वहाँ देखिए जैवी को अपने में खोई है, स्केच का लगा के, स्केच सॉरी चौक का लगा के ना, वही फिंगर को शीशे में देख रही है। तो चलिए अभी पहले फोल्ड कर लेते हैं सारे कपड़े, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी और क्या करने वाली हूँ। और अभी जो है शाम के बज रहे हैं शायद 5 ना रुपये, शाम के शायद 5 बज रहे हैं, तो चलिए पहले कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। मंदिर में लाइट जला दो रुपेश, मंदिर का पट खोल के लाइट जला दो। तो देखिए रुपेश जा रहा है मंदिर में लाइट जलाने। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए मैं मंचूरियन, पहले आप लोग से रेसिपी शेयर कर लेती हूँ फिर बातें करती हूँ। तो ये देखिए पत्ता गोभी है, इसे मैंने, ये आधा किलो से थोड़ा कम था, तो इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट नहीं है, बस मैंने उसे भी कद्दूकस पे ही ग्रेट कर लिया था। और ये आरा रोट है, तो मैंने जो पत्ता गोभी था ना, उसका पानी जो है वो नमक डाल के पहले निचोड़ के अच्छे से उसे निकाल लिया है। फिर इसमें मैंने चार साढ़े चार चम्मच मैंने इसमें आरा रोट लिया है। और अब मैदा लूँगी, मैदा उतना हमें लेना है जितना कि मतलब जैसे हम मिक्स करें तो जो बॉल है ना मंचूरियन का वो अच्छी तरीके से बन जाए, उतना मैदा लेना है। तो मैं ऐसे ही अभी कम डाल रही हूँ, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे मैं और डालूँगी, पर अभी इतना ही मैंने 4-5 चम्मच लिया है। और ये फूड कलर है, और ये डालने से मंचूरियन का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आप स्किप कर सकते हो। और ये अजीनोमोटो है, मैंने बस 2 पिंच लिया था, इससे ज़्यादा मैंने नहीं यूज़ किया था अजीनोमोटो, क्योंकि ये जो है ना ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, और इसके बिना जो है मंचूरियन टेस्टी ही नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 पिंच लिया था इसे। और अभी देखिए मैं मल मल के अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लूँगी। और ये देखिए लास्ट में मैंने नमक डाला है, बिल्कुल लास्ट में, और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, और उसे मैं एक साइड में रख देती हूँ मंचूरियन बैटर को, और यहाँ मैं मंचूरियन की चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने पहले पतीला गरम कर लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला था, और ये अदरक लहसुन टमाटर, 2 टमाटर थे बड़े, और लाल मिर्च, जितना आप तीखा खाते हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च ले लो, उसका फाइन पेस्ट बना लो, एकदम बारीक पेस्ट। ये मेरा थोड़ा मोटा पिसा हुआ था, पर एकदम फाइन पेस्ट चाहिए होता है।
फिर उसे मैंने डाल दिया, फूड कलर डाल दिया है और अब बस उसे मैं अपने लो फ्लेम पे छोड़ दिया है पकने के लिए। और यहाँ मंचूरियन का बॉल मैं बना लेती हूँ। तब तक रिफाइंड ऑयल भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और पहले से बॉल बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हमें फ्राई करना होता है तो हम तुरंत तुरंत डाल देते हैं और एक ही तरीके के सारे बॉल फ्राई होते हैं। वरना आप एक बनाओगे एक डालोगे, एक बनाओगे एक डालोगे, तो इससे कोई ज़्यादा मतलब डार्क कलर आ जाएगा किसी का, और किसी का जो है वो डार्क कलर नहीं आया रहता है। अब पहले से बनाने से ये होता है कि बस आपने तुरंत उठाया डाल दिया तो ये सब एक ही मतलब जैसे एक ही कलर का गोल्डन ब्राउन सभी में आएगा। तो ये देखिए अभी जो है मैं मंचूरियन बॉल को फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे चटनी जो है वो पक रही है। अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें उबाल आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक डाल दूंगी, स्वाद के अनुसार जितना चटनी होगा उस हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा। तो मैंने डाल दिया है और इसे ऐसे ही अभी मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि ग्रेवी जो है ना, ये जो चटनी है वो थिक ना हो जाए। जब ये थिक हो जाएगी ना तो ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अभी देखिए पतला है ये, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इधर मैं तब तक सारे मंचूरियन बॉल को फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही अच्छा मंचूरियन बॉल फ्राई हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो क्लिप है ना, ये बहुत दिन का क्लिप था, मैं भूल गई थी, डाल नहीं पा रही थी, तो आज मैंने पूर्णिमा वाले ब्लॉग में मैंने इसे डाल दिया है। और पूर्णिमा का जो ब्लॉग है उसे मैं बाद में डालूंगी। मंचूरियन की चटनी बन रही है, तो अभी देखिए मंचूरियन जो है ना वो बिल्कुल मतलब करारे करारे फ्राई हो गए, ये देखिए। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ फिर आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्राई हो चुके, निकाल लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स करारे करारे मंचूरियन, ये देखिए ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी मैं और देखिए ऐसे मैं बना के रख लेती हूँ ना, तो इजी होता है इसमें डालने के लिए। अभी मैं डाल देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने फ्राई होने के लिए सारा मंचूरियन ना इसमें डाल दिया है और फिर मैं ऐसे ही मंचूरियन बॉल को बना के रख लेती हूँ और यहाँ चेक कर ले रही हूँ कि इसमें कलर थोड़ा डर लग रहा है पर कलर बहुत ही उभर गया है, बहुत ही टेस्टी, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी चटनी तैयार है और इसमें मैं डाल देती हूँ लास्ट में मैगी मसाला, क्योंकि उल्टा पकड़ नहीं सीधा है, उल्टा दिख रहा है। तो अभी मैं ना मैगी मसाला इसमें डाल दूंगी और इस चटनी में ना जान आ जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं डाल लेती हूँ फिर बातें करती हूँ, क्योंकि मैंने ना इस वाले हाथ से देखिए पकड़ा हुआ है और इस वाले हाथ से काम कर रही हूँ। तो पहले डाल लेती हूँ, फिर करती हूँ आपसे। और बस फ्रेंड मंचूरियन की चटनी जो है बन गई है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और बाकी के मंचूरियन जो बचे हैं वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो चटनी है इसे आप मोमो के साथ भी खा सकते हैं, मंचूरियन के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए सारे मंचूरियन जो है वो बन गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसमें मंचूरियन चटनी डाल दिया है और इसे बस मैं टॉस कर लेती हूँ ताकि जितना भी चटनी का ग्रेवी है ना वो सारे मंचूरियन के ऊपर जो है अच्छे से कोट हो जाए। तो अभी देखिए कोट हो गया और गर्म गर्म मंचूरियन रेडी है, बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाने, और ये मैं रुपेश को दे देती हूँ, फिर मैं आपको एक बाइट खिला दूँगी। तो गर्मा गर्म मंचूरियन खाने आ जाइए आप लोग। अब प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अनसब्सक्राइब मत किया करिए फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है आप जब अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, व्यूज़ आते हैं पर लाइक नहीं आते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए। तो अभी देखिए छवि ने खाया और उसने बोला बहुत अच्छा बना है और ये मैं आपको खिला रही हूँ, आप भी खा लीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।